बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट बटोरते हुए देखे जाते हैं। इंडस्ट्री में तमाम स्टार्स हैं जो लगातार आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं अपनी फिल्मों के जरिए। तो वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो कुछ ही फिल्में करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। और आज के समय में कहाँ हैं आप सभी के फेवरेट स्टार, क्या कर रहे हैं, ये जानना हमेशा ही आप सभी चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं बीते लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर खूबसूरत पॉपुलर एक्ट्रेस मयूरी कांगू के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर 90 के दशक की पॉपुलर फिल्म पापा कहते हैं होगी प्यार की जीत में काम कर चुकी एक्ट्रेस मयूरी कांगू के बारे में, जो कि बीते कई सालों से फिल्मी पर्दे से गायब हैं। आज के समय में मयूरी कांगू कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हाल में जिंदगी बिता रही हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मयूरी कांगू जब उन्होंने 90 के दशक में फिल्म पापा कहते हैं के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उस दौरान ही मयूरी ने अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया था। इस फिल्म के बाद मयूरी कई फिल्मों में नजर आई लेकिन बाद में फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। आखिरी बार मयूरी को देखा गया था साल 2000 में आई तेलुगु फिल्म वामसी में, और इसके बाद मयूरी ना तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नजर आई, ना ही किसी पार्टी, ना ही किसी फंक्शन में और ना ही किसी इवेंट में। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि फिल्मी पर्दे से दूर होकर मयूरी अपनी फैमिली में व्यस्त हो गई और अपनी जॉब में व्यस्त हो गई। साल 1995 में फिल्म आई थी नसीब, और इस फिल्म से डेब्यू करने वाली मयूरी फेमस हुई पापा कहते हैं के जरिए। और इसके अलावा मयूरी ने फिल्म की होगी प्यार की जीत, इसके अलावा मयूरी ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्मी पर्दे पर उन्हें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई। साल 2000 में नरगिस, साल 2001 में थोड़ा गम थोड़ी खुशी, और साल 2001 में डॉलर बाबू, साल 2002 में किटी पार्टी जैसे तमाम सीरियल्स में काम किया लेकिन टीवी इंडस्ट्री में भी मयूरी सफलता हासिल नहीं कर पाई। और बाद में मयूरी कांगू ने अहम फैसला लिया, मयूरी कांगू शादी के बंधन में बंध गई। 28 दिसंबर साल 2003 में एनआरआई आदित्य ढिल्लन से औरंगाबाद में मयूरी कांगू ने शादी रचा ली। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में, और साल 2003 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई, और अमेरिका में रहकर मयूरी कांगू ने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA कंप्लीट किया। और बाद में साल 2004 से साल 2012 तक अमेरिका में ही जॉब की। लेकिन इस बीच मयूरी कांगू ने अपने बेटे को जन्म दिया। मयूरी के बेटे का नाम है कियान, जी हाँ, जो कि अब 10 साल के हो चुके हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 2011 में मयूरी ने अपने बेटे कियान को जन्म दिया, लेकिन अपने बेटे कियान की खातिर मयूरी वापस भारत शिफ्ट हो गई। जी हाँ, साल 2013 में भारत में शिफ्ट हुई मयूरी, और उस दौरान मयूरी ने बताया कि मैं इंडिया शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले यहाँ के हैं और मेरा बेटा भी उनके साथ रह सकता है। और इस तरह से मयूरी अपने बेटे के लिए इंडिया शिफ्ट हो गई। वेल, देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि साल 2019 में अप्रैल में मयूरी ने गूगल इंडिया ज्वाइन किया, और यहाँ पर मयूरी बतौर इंडस्ट्री हेड काम की। वहीं इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि मयूरी को यहाँ पर करोड़ों का पैकेज ऑफर हुआ था, और इसके अलावा मयूरी के लिंक्डइन
प्रोफाइल के मुताबिक सामने आया है कि मयूरी इससे पहले फ्रेंच एडवर्टाइजिंग पब्लिसिस्ट ग्रुप की कंपनी परफॉर्मिक्स में भी काम कर चुकी हैं। मयूरी यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया करती थी और इस दौरान देखा जाए तो फिल्मों की दुनिया से दूर रहकर मयूरी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि मयूरी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा साल 1995 में, लेकिन शुरुआत में अपनी पढ़ाई के चलते इस फिल्म को करने में वह डर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और पढ़ाई के बीच मयूरी IIT कानपुर के लिए भी सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के चलते उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने IIT कानपुर में एडमिशन नहीं लिया। कहा जाता है कि करीब 16 फिल्में की मयूरी ने, लेकिन कई फिल्में उनकी रिलीज तक नहीं हो पाई हैं। और फिल्म नसीम के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें पापा कहते हैं के लिए चुना। साल 1996 में इस फिल्म को साइन किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद मयूरी कई फिल्मों में नजर आई। मयूरी ने होगी प्यार की जीत, बेताबी, बादल, शिकारी कैमियो, जंग, जीतेंगे हम जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में मयूरी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। आज के समय में देखा जाए तो मयूरी कहाँ है, कैसी है, इसका कुछ भी नहीं पता है। ना ही सोशल मीडिया पर नजर आती है मयूरी और ना ही कहीं और। देखा जाए तो मयूरी के बारे में हमेशा ही फैंस जानना चाहते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।